सब है पूरा यकीन, तुम सा to be here. और कितना ही सम्मान की बात है कि वो यहाँ पर है. I love that when we come in unity there is strength. और कितना ही प्यार लगता है जब हम पूरे इकट्ठे में आते हैं तो बल लगता है. I love that the topic of this conference is arise. और उठ खड़े हो जाओ करके है. For such a time as this, right? क्योंकि ऐसा समय है ये. I hope that you have come with an expectation as you walked into this room. हम आशा करते हैं कि आप उम्मीद के साथ इस घर में आए हैं. Because I believe God is going to do something new in us. क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कुछ नया करने पर है हमारे अंदर. Because God is good. क्योंकि परमेश्वर अच्छा है. He is faithful. वो विश्वास योग्य है.
Amen. Amen. Before I even I want to testify the goodness of God. तो शुरू करने से पहले वो अपनी गवाही के साथ शुरू करना चाहती है. In the month of January this year. और इस वर्ष में जनवरी के महीने में. Along with some fiery missionary women. और आग से भरी एक मिशनरी स्त्री के साथ वी वेंट टू रिमोट विलेजेस इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड नेपाल. और वेस्ट बंगाल ऐसे खेड़े गांव में वो गए थे. एंड लास्ट ईयर वी वेंट एंड वी सॉ लाइक सच ग्रेट फ्रूट्स. और कितना ही मतलब वहां पर ऐसे फल को उन्होंने देखा. एंड देन वी वेंट बैक अगेन दिस ईयर. वापस इस साल में भी वे गए. एंड वी वर गोइंग. और वो जा रहे थे. 2 weeks. दो हफ्ते. As we preached in Bihar and was coming back to our camp in West Bengal. तो बिहार में प्रचार करके वेस्ट बंगाल उनका जहाँ पर तंबू था वहाँ पर वे आ रहे थे. We met with an accident. तो उनका एक्सीडेंट हो गया. At the end of Jan. और जनवरी के अंत में. My pelvic bone was broken. और उनका जो कमर की जो हड्डी है वो मतलब वो टूट गई. I couldn't sit. I couldn't stand. वो उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी. I was in the care of people. और मतलब लोगों के इसमें थी वो. And it was painful. और बहुत दर्दनाक था. But you know, even in that. और उसमें भी. The grace of God was there. परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था. It would have been easy to be upset and disappointed. और मतलब निराश होकर और इससे कोई मतलब नहीं है. But God is faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है. Normally for a pelvic bone. और ऐसे कमर की हड्डी टूटना मतलब. It takes about 3 to 4 months. 3 से 4 महीने लगते हैं. For you to be able to walk and function. काम करने के लिए, चलने के लिए. But 2 weeks just being in bed. 2 हफ्ते सिर्फ बिस्तर पर रहने के बाद. On the third week. तीसरे हफ्ते में. I was able to walk with a walker. और वो एक ऐसे छड़ी पकड़कर वो चलने के लिए योग्य हो गए. परमेश्वर विश्वास योग्य है. And I came back to Bangalore. और वापस वो बैंगलोर आई. Till 2 weeks ago. और 2 हफ्ते तक. I couldn't walk on my own. वो अपने आप से खुद से नहीं चल सकती थी. And it's crazy. और ये एकदम पागल बनती है. While I was in bed, couldn't walk in the village. और वो उस गांव में मतलब वो चल भी नहीं पा रही थी. I received an invitation to come here. और यहाँ पर वापस आने के लिए आमंत्रित किया गया उन्हें. And my friend said like we'll pray about it. ठीक है, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे. But I said I'm coming. लेकिन उसने पहले ही कह दिया मैं आ रही हूँ. Because God's gonna heal me. क्योंकि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा. And here I am. और आज वो यहाँ पर है. Standing. खड़ी है खुद से. Without a walker. और बिना कुछ छड़ी पकड़े. Our God is faithful. हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है. Our God can restore. हमारा परमेश्वर लौटा सकता है. We don't serve a God that is small. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो छोटा. We serve a God who is big. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो बड़ा है. Every time you doubt God, हर बार जब आप परमेश्वर पर शक करती हैं, you look up. आप ऊपर देखिए. Heaven and earth He created. पृथ्वी और स्वर्ग को उसने बनाया है. That's the God we serve. ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. That's the God we serve. ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. I praise God. और इसलिए हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं. For the healing that is given me. जो चंगाई उसने दिया है. And for me to be able to come here. कि उसको योग्य बनाया कि वो यहाँ तक पहुँचे. Because He knew I had to be here. क्योंकि वो जानते थे कि उसे यहाँ पर रहना है. And I glorify God's name. और परमेश्वर को महिमा देती है. As I stand here. जैसे वो यहाँ पर खड़ी रहती is faithful. क्योंकि वो विश्वास योग्य है. So I hope you are expecting this evening. तो हम विश्वास करते हैं कि आप आज की शाम एकदम आशा में हैं. Just for today, don't look at anything else. और किसी को भी कुछ भी मत देखिए. Don't let even your focus be on me. और आपका ध्यान भी बहन के ऊपर ना हो. But let your focus be on God. लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर हो. There's so many people in this room. क्योंकि कितने ही सारे लोग हैं इस कमरे में. But let your attention be on God. लेकिन आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर के ऊपर हो. Because God wants to speak to you. क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. As I was praying and preparing for this message. और जैसे वो प्रार्थना कर रही थी और अपने संदेश को तैयार कर रही थी. God was speaking to me from the book of Ruth. तो रूथ के किताब से परमेश्वर उससे बात कर रहा था. And in a moment we're going to go and ask the Lord what he wants to speak to us. और वो जाकर मतलब परमेश्वर क्या बात करना चाहता है उसने पूछा. If you grew up from a Christian home, I'm sure you've heard about Ruth, Naomi, Boaz. और अगर आप मसीह परिवार में अगर आपका जन्म हुआ है तो रूथ, नयोमी और बोआज के बारे में आपने पढ़ाई होगा. But I believe God wants for us to see in a new perspective. लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर नए तरह से इसे देखने के लिए वो चाहता है. The word of God.
परमेश्वर का वचन इज अलाइव एंड एक्टिव, वो जीवित है और कार्य में है. सो द वर्ड दैट आई हैव फॉर अस टुनाइट, तो आज के जो शाम के लिए जो वचन है इज दिस, वो ये है. इफ यू आर टेकिंग नोट्स, टेक योर नोट्स. अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप कृपया करके लिख लें. द पेन जो दर्द, द जर्नी जो हम सफर करते हैं, एंड द प्रॉमिस और वादा. दिस थ्री वर्ड्स, ये तीन शब्द, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन वन ऑफ दिस. इन तीनों में आप कहीं ना कहीं आपको देखोगे. व्हेदर यू आर इन पेन, हो सकता है आप दर्द में हैं, एंड यू आर सेइंग गॉड आई कांट मूव फॉरवर्ड, और आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं और आगे नहीं बढ़ सकती. और व्हेदर यू आर इन अ जर्नी एंड इन डीप पेन, यू आर सेइंग गॉड आई ट्रस्ट यू, और आप एक ऐसे मौसम में हैं जहां पर आप सफर कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं विश्वास करती हूँ. एंड सम ऑफ यू मस्ट बी एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ द प्रॉमिस बिकॉज ऑफ योर फेथफुलनेस, और कोई तो अपने फल का मतलब मजा ले रहा है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य. बट आई बिलीव यू आर गोना फाइंड योरसेल्फ इन वन ऑफ दिस. हम विश्वास करते हैं आप किसी ना किसी इस तीन में आप अपने आप को पाओगे. सो आस्क द होली स्पिरिट इवन एज वी डिग डीपर टुनाइट, इसलिए पवित्र आत्मा से आप पूछिए क्योंकि जैसे हम और भी गहराई से जाएंगे. I want all the women in the house to stand up for a moment. तो हम चाहते हैं घर में हर एक स्त्री खड़ी हो जाए थोड़े समय के लिए. And I want us to do this declaration. और हम ये घोषित करना चाहते हैं. I am not called to dwell in the pain of my past. और मुझे बुलाया नहीं गया है कि मैं अपने जो भूतकाल के दर्द में ही रहूं. I am not called to dwell in the pain of my present. या फिर जो दर्द अभी में है. But there is an invitation for me to go on a journey. लेकिन मुझे आमंत्रित किया गया है कि ऐसे सफर में बुलाया है. With God for deeper healing. परमेश्वर मुझे अंदरूनी से चंगा करना चाहता है. And in this journey, as I put my faith in Him. और इस जो जर्नी है जो मैं विश्वास करती हूँ. He will lead me to the promise. वो मुझे वादा किए जगह पर लेकर जाएगा. The promise being God Himself. और जो वादा परमेश्वर खुद है. I will rise again. मैं वापस उठ खड़ी होंगी. In his strength. उसके बल में. For his glory. उसके महिमा के लिए. Amen. Amen. You may be seated. तो आप सभी लोग बैठ सकते हैं. But that's the declaration for tonight. तो ये हम घोषित करेंगे आज के रात. We're not going to dwell in our past or in our present. तो हम अपने भूतकाल में या भविष्य हमारे इस समय में हम नहीं रहेंगे. But there is an invitation for us tonight. लेकिन आज के रात में हमें आमंत्रित किया गया है. Like God is putting His hands towards you. जैसे कि परमेश्वर आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा है. Will you trust me? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? Can you get up once again? So if you have your Bibles, you can open the book of Ruth. तो अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप रूथ के किताब को खोलिए. I'm not going to read through it, but I have few points that I want to share. और थोड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसको बांटना चाहती है. So during the time of Ruth, और रूथ के समय में, the Israel had no kings. तो इज़राइल देश में कोई राजा नहीं था. So everybody lived like they want to. और हर जन ऐसे जी जैसे उनकी मर्जी. And this family, और ये जो परिवार है, Elimelech करके, Naomi's family basically, और Naomi का परिवार था ये. They were in Bethlehem, but because of famine, और बेथलेहम में थे क्योंकि वहाँ पर अकाल था. But they moved to Moab, और वे Moab देश में चले गए. And in Moab, Moab में, Naomi loses her husband. Naomi अपने पति को खोती है. And her two sons. अपने दो लड़कों को खोती है. So I told the topic of this night is the pain, the journey and the promise, right? और आज के रात का जो संदेश है वो है दर्द, सफर और we will see what kind of pain and loss that Naomi had to endure. तो हम देखेंगे Naomi को कौन से दर्द और कौन से मतलब जो उसने खो दिया था उसके ऊपर हम ध्यान देंगे. We will also see the strength of women. और हम जो स्त्री का जो बल है उसे भी हम देखेंगे. You know, I tell women always. और हमेशा वो स्त्रियों से कहती है. The kind of strength that God has given us, especially our inner strength. और जिस प्रकार का बल जो दिया है, खास करके अंदरूनी जो शक्ति होती है. It's beautiful. वो एकदम खूबसूरत है. Any woman can walk into the room. कोई भी स्त्री कमरे में आ सकती है. And scan around the room. और पूरे जगह पर देख सकती है. And you can tell who is upset. और वो बोल सकती है कौन निराश है, who is happy, कौन खुश है, who is holding offense,
या कोई किसके मतलब कोई ठेस को पकड़ कर है. We are able to study people well. और लोगों को अच्छी तरह से पढ़ सकती है. And I feel that's the strength God has given us. और हम विश्वास करते हैं यही बल परमेश्वर ने स्त्री को दिया है. So instead of looking into our left and right, और बल्कि हम दाएं और बाएं की ओर देखने into the inner being of who God created us to be. हम अंदर देखें कि परमेश्वर ने हमें कौन बनाया है. The strength that he has given us. जो बल जिसने उसने हमें दिया है. So we see this in Naomi. तो हम ये नयोमी के अंदर हम देखते हैं. And his daughter-in-law Ruth. और उसके बहू रूथ में भी हम देखते हैं. We see that these two women who had such great loss. और ये दो स्त्रियों को हम देखते हैं जो इतने मतलब उनके पास से सब खो चुका था. Yet in midst of the pain. लेकिन इन सारे दर्द में भी. They journey from Moab to Bethlehem. तो वो मोआब से बेथलेहम को जाती है. And in the journey, और उस सफर में God met them and restored and redeemed them. परमेश्वर उनसे मिला और उनको वापस सब कुछ लौटाया. So let's see what was the pain or loss that they had to endure, right? तो कौन से मतलब उन्होंने क्या खोया और कौन सा दर्द था हम ये देखेंगे. Naomi lost her husband. Naomi ने अपने पति को खोया. And two sons. दो लड़कों को खोया. Ruth had lost her husband. और रूथ ने अपने पति को खोया. And there was famine in the land. और उस देश में अकाल था. Also, as I go ahead. और जैसे वो आगे बढ़ती है. I want to share a little history of what the culture of Israel was like. तो थोड़ा हम वहाँ का वातावरण जो है इज़राइल देश में वो बताना चाहेंगे. So you'll have a better understanding of the greater loss that they had. कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए वो किस प्रकार का जो उन्होंने खो दिया था. So in the Israel culture then. और उस समय में इज़राइल का जो कल्चर था. It was defined by three things. वो तीन इससे पहचाना जाता था. It was patriarchal. और वो patriarchal था. Patrilineal. और patrilineal and patrilocal. और patrilocal. Yes. So patriarchal, it was important for the male, an older male of the family. तो ये जो था वो मतलब घर का जो बड़ा पुरुष है उसके लिए था. To have a thing called the father's household. इसका मतलब है पिता का घर. It means in Hebrew means betab. और हिब्रू में betab करके. And it was important. और ये बहुत जरूरी था. For that male. उस पुरुष के लिए he needs to take care of the economic well-being of the entire family. और उस पुरुष ने देखना चाहिए अपने घर का पूरी तरह से मतलब खास करके पैसे के और. So it was very important. तो ये बहुत जरूरी था. For the culture then. और वहाँ का जो रीति रिवाज था उसमें. And patrilineal. और patrilineal. It was important for them to write down the lineage. और उनका जो मतलब जो पीढ़ी है वो उसके विषय में लिखना बहुत जरूरी था. So if the older male dies, अगर कोई घर का बड़ा मरता है, someone else can take on. तो उसके बाद में कोई और ले सकता है. And the other is patrilocal, right? और patrilocal. It was important for them to live like a nuclear family. और ये आप मतलब एक न्यूक्लियर परिवार के तरह वो जी सकते थे. And that's why it was important to preserve this father's household. तो इसके लिए ये बहुत जरूरी था का पिता का घर मतलब संभाल कर रखना. So a little history helps, right? तो थोड़ा जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ये हमारी सहायता करती है. So Ruth didn't just lost her husband. और रूथ ने सिर्फ अपने पति को ही नहीं खोया. But they didn't have the father's household. तो उनके पास अपना पिता का घर भी नहीं था. They didn't have a family basically. और बताया जाए तो उनके पास पिता का घर नहीं था मतलब. And on top of that. और उसके ऊपर. They were outside the protection of the father's household. और ये मतलब पिता के रक्षण उसके घर के बाहर थे. That these two women. और ये जो दो स्त्रियां. With strength. बल के साथ. They traveled from Moab to Bethlehem. मोआब से बेथलेहम में आए. And on top of that, और उसके ऊपर, Moabites. Ruth was Moabites, right? और रूथ मोआबाइट थी. So in if you read the book of Ruth, अगर आप रूथ के किताब को पढ़ते हैं, it'll keep saying Ruth the Moabite. तो उसमें लिखा गया है रूथ मोआबाइट करके. So Ruth comes from a descendant that was birthed through incest. और वो ऐसे इससे आती है. And she's a widow without a child. और वो एक ऐसी विधवा थी बिना बच्चे के. Which means her future is not secure. इसका मतलब ये है कि उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है. There was no one to carry on the father's name or the family's name. और कोई आगे नहीं था जिनका उनके परिवार का या पिता का नाम आगे लेकर जाने के लिए. They didn't have the protection of the father's household. और पिता का रक्षण भी उनके ऊपर नहीं था. So this was the case of Naomi and Ruth. और ये सारा मुद्दा था नयोमी और रूथ का.
Imagine what people must have been talking. सोचिए लोग उनके बारे में क्या क्या बोल रहे थे. Imagine like you know things that you have no control. और उन सारे चीजों के बारे में सोचिए जिसके ऊपर आपका नियंत्रण ही नहीं है. And on top of that you had to endure all this with no protection. और इन सबको सहना था और कोई भी रक्षण नहीं था इसके ऊपर. But when it was time to go to Bethlehem. और जब समय हो गया बेथलहम देश को जाने के लिए. I love Naomi's heart. और नयोमी का हृदय बहुत अच्छा लगता है. Because she said, I've heard of God's faithfulness. और मैंने सुना है परमेश्वर की विश्वास योग्यता का. That he has come in aid for his people in Bethlehem. कि वो अपने लोगों के मतलब रक्षण के लिए वो बेथलहम देश में आया है. नयोमी lost so much. और नयोमी ने कितना सब कुछ खो दिया है. Yet instead of being buried in resentment. और ये सारे दुख में वो दफन होने के बदले. Her action to move back to the land where she heard of God's faithfulness. वह वापस उस जमीन पर जाने के लिए उसने सोचा जहाँ पर परमेश्वर कार्य कर रहा था. Even in her pain. उसके दर्द में भी. She chose to trust God. उसने चुना कि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे. What a beautiful heart of a servant, right? और कितना ही खूबसूरत हृदय है एक सेवक का. So we know that when you know when it was time to go. और हम जानते हैं जब समय हो गया जाने के लिए. Ruth said, I will not go. और रूथ जो है वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी. I will go with you. लेकिन मैं तेरे साथ जाऊंगी. I love that Ruth said this. और बहुत अच्छा लगता है जब रूथ ऐसे कहती है. Where you go, I will go. तू जहाँ पर जाएगी मैं वहाँ पर जाऊंगी. Where you stay, I will stay. जहाँ पर तू रहेगी मैं वहाँ पर रहूंगी. Your people will be my people. तेरे लोग मेरे लोग होंगे. Where you die, I will die. जहाँ पर तू मरेगी वहाँ पर मैं भी. Your God will be my God. तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर भी होगा. Ruth is a foreigner. और ये जो रूथ थी वो परदेसी थी. But being married to an Israelite, God's chosen people. और रूथ इजरायली जो चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं उनसे उसने शादी की. I'm sure she has heard a lot about this great almighty God, right? तो उसने बहुत सुना होगा इस महान परमेश्वर के विषय में. She wasn't born with this faith. और इस विश्वास के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था. But I'm sure because she married into the family of faith. और हम विश्वास करते हैं जो विश्वासी घर में उसने उसकी शादी जो हुई. She was able to hold on to that faith. तो वो उस विश्वास को वो पकड़े रही. Because she was determined. क्योंकि वो determined थी. So they traveled. Now it's the time for the journey. तो वो सफर कर रहे थे और ये समय सफर का था. And I want to pause for a moment as I go on to the next. तो अगले इसमें जाने से पहले हम थोड़ा रुकना चाहते हैं यहाँ पर. Ask the Lord right now. इस समय में आप परमेश्वर से पूछिए. What is the pain that is weighing you down? तो ऐसा कौन सा दर्द है जो आपको नीचे ढकेल रहा है? What is that pain that is holding you to move forward? क्या ऐसा कौन सा दर्द है जो आपको पकड़े रहा है मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? Ask yourself this question. तो अपने आप से ये सवाल को पूछिए. What is impossible for my God? क्या ऐसा संभव है मेरे परमेश्वर के लिए? Even in pain, can I trust Him? क्या इस दर्द में भी मैं परमेश्वर पर विश्वास कर सकती हूँ? Even in this pain, can I trust Him? क्या इस दर्द में भी क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ? Because Ruth chose that. क्योंकि रूथ ने ये चुना. Even in pain, दर्द में भी. She chose to put her trust in the God of Israel. उसने चुनाव किया कि वो इस दर्द में भी वो इज़राइल परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को डालेगी. So ask the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा से पूछिए. He'll start revealing to you right now. तो वो शुरू करेगा आपको बताने के लिए. And for many, it's time to let go. और बहुत सारे लोगों को ये समय है उसे जाने देने का. If you are saying we have to rise for such a time as this, अगर आप कह रहे हो कि ऐसे समय के लिए हमें उठ खड़ा रहना है. I want to rise again. तो मुझे वापस खड़े होना है. But we need to be ready from the inside out. तो हमें अंदर से बाहर तैयार रहना है. We need to allow God to really heal us. तो हमें परमेश्वर को इजाजत देना है कि सच में वो हमें चंगा करे. So that we don't keep going back over and over again. कि हम वापस वापस पीछे पीछे की ओर ना जाए. So we see the strength of these two women, right? तो हम देखते हैं इन दो स्त्रियों का बल को. The great pain that they had to endure. और इन इस दर्द को इस महान दर्द को मतलब उसके ऊपर पकड़े मतलब वो थे. Even in that. उसमें भी. They are on a journey now. तो भी वो सफर पर थे. To Bethlehem. बेथलहम में. So there was basically it says that like for Moab to Bethlehem. और जैसे कहा जाता है मोआब से बेथलहम. I don't think like you know at that time there's no vehicle there's and because they come from a very poor
बैकग्राउंड और उस समय में गाड़ियां नहीं थी और ये परिवार जो है वो एकदम गरीब परिवार से आते हैं. They had to walk, right? तो उनको चलना था. Must have taken 7 days, 10 days. हो सकता था 7 से 10 दिन लग सकते थे. So there are times you need a physical action as well. तो इसमें शरीर के कार्य भी मतलब काम में है. We say, Lord, we have faith in you. हम कहते हैं परमेश्वर मुझे तेरे पर विश्वास है. Lord, we trust you. हम तेरे पर विश्वास करते हैं. But our action doesn't show anything. लेकिन हमारा कार्य कुछ दिखाता नहीं है. Ruth and they could have just said, Lord, we trust you. और रूथ और नयोमी ऐसे कह सकते परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ. And could have stayed back in Moab, right? और मोआब देश में ही वो बैठ सकती थी. But there was a physical activation. लेकिन शारीरिक तौर से भी वहाँ पर कुछ कार्य था. Right now, ask the Lord. तो इस समय आप परमेश्वर से पूछिए. What is the physical activation or the change I need to take? तो कैसे ये शरीर के जो कार्य है उसे मुझे लेना है. It's important. और ये बहुत जरूरी है. You know, preachers will come and go. जो प्रचारक है वो आएंगे और जाएंगे. People will pray for you, give you prophetic word and go. लोग आएंगे भविष्यवाणी के वचन देंगे और जाएंगे. But it's up to you if you want to steward well. ये आप पर है क्या आप उसे पकड़ कर रहती है. And be fruitful. और फलदायक होती है. Amen. Amen. So we will go through the journey with them right now. तो उनके साथ साथ हम इस सफर में चलेंगे. So they went from Moab to Bethlehem. तो वो मोआब से बेतलहम में गए. I love that as soon as they stepped into Bethlehem, they saw the favor of God. और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब भी उन्होंने पैर रखा बेतलहम में उन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा. But we also see the heart of Naomi in pain. और हम नयोमी के हृदय को भी देखते हैं एकदम दर्द से. Because as soon as she reached Bethlehem, जैसे ही वो बेतलहम देश में पहुंचती है, people started talking. लोगों ने शुरू कर दिया बात करना. Could this be Naomi? क्या ये नयोमी है? Then Naomi said this. और नयोमी ने कहा, Call me Mara. मुझे मारा करके बुलाओ. Which means bitter. इसका मतलब है कड़वा. She said, I went away full. मैं भर कर मतलब यहाँ से गई. But the Lord has brought me back empty. परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर वापस खाली हाथ लौटाया है. Why call me Naomi? क्यों मुझे नयोमी करके बोला? The Lord has afflicted me. परमेश्वर ने मुझे मतलब दुख दिया है. The Lord Almighty has brought misfortune upon me. और ये सारे दर्द और पीड़ा को मुझ पर लाया है. She was carrying this pain, right? तो यही उस दर्द को वो लेकर चल रही थी. But the pain didn't stop her from trusting God. लेकिन इस दर्द ने उसको रोका नहीं परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए. वो एकदम विश्वासी रही. And sometimes we need to be honest. और कभी-कभी हमें विश्वासी भी बनना है. With God. परमेश्वर के साथ. With your pastors. आपके पासवानों के साथ. People that you trust. जो लोगों के ऊपर आप विश्वास करती हो. As Christians, sometimes we're like, yeah, I'm fine, that's okay. और हम मसीही लोग कहते हैं, हाँ, मैं ठीक हूँ. But hey, we're human beings. लेकिन सुनिए आप इंसान हैं. We live on this earth. हम इस पृथ्वी के ऊपर जीते हैं. We will experience the highs of the mountains. और हम चट्टान के ऊपर जैसे हम महसूस करेंगे. To the deepest of the valley. और एकदम अंदरूनी तराइयों में. Because when we're honest. जब हम विश्वास रहते हैं. It opens the window to healing. तो ये एक खिड़की को खोलता है जहाँ पर चंगाई आती है. So I love Naomi. तो हम बहुत प्यार करते हैं. She didn't hide. उसने छुपाया नहीं. What she was feeling. जो वो महसूस कर रही थी. She just entered Bethlehem. वो उसने सिर्फ कदम रखा बेतलहम में. And she's saying, "Call me Mara." और वो कहते हैं मुझे मारा बुलाओ. That's the heart. ये उसका हृदय था. And I love that it teaches, like when I read this, it teaches me to be honest. और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें एकदम honest रहना सिखाता है. So ask the Lord, like, be honest with what you're feeling. तो आप honest रहिए जो मतलब जो आप महसूस कर रही हो. What you're journeying through. जिस सफर से आप गुजर रही हो. Don't keep anything hidden. कुछ भी छुपाकर मत रखिए. God will bring it to light. परमेश्वर रोशनी में लेकर आएगा. God exposes it. परमेश्वर दिखाता है. Not to condemn us. हमें दोष लगाने के लिए but नहीं. But to bring deeper freedom. लेकिन अंदरूनी से चंगाई लाने आजादी लाने के लिए. Do we want to walk in that freedom? क्या हम इस आजादी में चलना चाहेंगे? Do we want to walk in that freedom? क्या हम इस आजादी में चलना चाहेंगे? Amen. Amen. In chapter 2 we see this. और दूसरे अध्याय में हम ये देखते हैं. We see the response of Ruth now. अभी रूथ के हम जवाब को देखते हैं. So Naomi had a family, right? Boaz. Naomi का मतलब परिवार भी था Boaz करके. But here it's not mentioned that Ruth knows of Boaz. अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि रूथ Boaz को जानती है.
So as they moved to Bethlehem, जैसे वो बेथलहम देश में वापस आए, Ruth said, "Let me go to the fields." तो वो कहती है मुझे खेतियों में जाने दें। And pick up the leftover grain. और जो ऐसे जो मतलब grains है जो उसे मुझे उठाने दें। Behind anyone in whose eyes I find favor. उस जिसके भी नजर में मुझे मतलब ऐसा दया मिलता है। It's beautiful here. और बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। A Moabite. एक मोआबाइट। She's a foreigner. वो एक परदेसी है। She doesn't have a husband. उसके पास पति नहीं है। I don't think she has friends. और हमें ये भी नहीं लगता है कि उसके कोई दोस्त होंगे। But she walked into the unknown nation. वो ऐसे जो देश को नहीं जानती उस जमीन पर आई। And into the unknown field in faith. और विश्वास के साथ जो खेती वो जानती भी नहीं है वो वहाँ पर गई। And she had an expectation to find favor. और वो वहाँ पर आशा लगाई थी कि वहाँ पर उसको कुछ तो मिलेगा। How many of us we walk in faith in expectation to find the favor of God? और कितने लोग विश्वास में चलते हैं कि आशा में कुछ तो मिलेगा करके? Because that was the response of Ruth here. और यही जवाब था रूथ का यहाँ पर। She stepped out of her comfort zone. और एकदम आरामदायक जगह से वो बाहर निकली। To shoulder the responsibility. और ये सारे मतलब जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने के लिए। In the unknown city she had just arrived. एक ऐसे ना जानने हुए ऐसे देश में वो आई। How many of us can do this? कितने लोग हम में से ऐसे सब कर सकते हैं? It's beautiful just capturing the heart of this, the strength of this woman. और कितना ही अच्छा लगता है देखने के लिए ये स्त्री के बल को। She could have said, "No, let me make friends." वो कह सकती थी मुझे पहले दोस्त को बनाने दो। Let people treat me fairly first. पहले लोग मुझे अच्छी तरह से बर्ताव करने दो। But I love that her heart was to find the favor. और हमें अच्छा लगता है वो मतलब एक मतलब कोई तो उसके ऊपर दया करे वो देखती है। She knew she had to rise up. वो जानती थी उसे उठ खड़ा होना है। And take her position. वो अपने स्थान को ले। She knew she had to rise up and take her position. वो जानती थी कि वो उठ खड़ी हो जाए और अपने उस स्थान को वो ले। It says here, right? Let me go and pick up the leftover grain, right? और यहाँ पर लिखा है जो बीज है जो जो पड़े थे जमीन पर उसे उठाने के लिए। Ruth didn't come from the chosen people. और रूथ ऐसे परिवार से नहीं आती है जो परमेश्वर ने चुना था। But how did she know about this? लेकिन वो कैसे जानती है इसके बारे में? The law of Moses. मूसा के कानून के बारे में। Because in Deuteronomy 24:19, व्यवस्था विवरण में लिखा है। It says when you are harvesting in your field, जब तुम मतलब कटौती करती हो अपने खेती में, and you overlook a sheaf, और तुम जो वो जो कलिया है जो पेड़ों पौधों के वो जब देखती हो, Do not go back to get it. वापस मत जाओ उसे लाने के लिए। Leave it for the foreigner. और जो परदेसी है उनके लिए छोड़ दो। The fatherless. जो पिता नहीं है उनके लिए। And the widow. और जो विधवा है उनके लिए। So the Lord your God. कि तुम्हारा परमेश्वर bless you in all the work of your hands. कि परमेश्वर हर एक काम में तुम्हें आशीर्वादित करे। Ruth falls in all this category, right? और रूथ इन सारे जो कैटेगरी है उन सब में गिरती है। वो फॉरेनर, एक परदेसी है, a widow, एक विधवा है, and a fatherless because she doesn't have the पिता नहीं है क्योंकि उसके पिता का घर नहीं है, the father's household, पिता का घराना। So when she came to Bethlehem, जब वो बेथलहम में आती है, she is saying that let me go to the field pick up the leftover grain. और मुझे खेती में जाने दो कि जो बचा जो दान नीचे गिरा है उसे लाने के लिए। How did she know this? कैसे वो जानती थी? She has heard. उसने सुना था। And she just didn't hear. और उसने सिर्फ सुना ही नहीं। She is living it as well. और वो उसमें जी भी रही है। In 21st century, और ये 21वीं सेंचुरी में, we have such access to grow, और कितने ही सारे ऐसे हैं जहाँ पर हम बढ़ सकते हैं, like we can tune into the best YouTuber preachers, और हम YouTuber और best preacher को सुन सकते हैं, गाने, you forget your paper Bible, you have your phone, अगर आप किताब Bible लाना भूल गए तो आपके पास फोन है, but at that time. लेकिन उस समय में I don't think she has access to any of this. हमें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी था वहाँ पर। She just heard. उसने सिर्फ सुना। And what does the word in the New Testament says? Faith comes from hearing. नए वचन में क्या लिखा है? विश्वास कैसे आता है? Hearing the word of God. सुनने और सुनने से परमेश्वर के वचन को। But Ruth took another step.
लेकिन रूथ ने और एक कदम लिया. She just didn't have faith. सिर्फ उसके पास विश्वास ही नहीं था. She just didn't hear the word. उसने सिर्फ वचन को सुना ही नहीं या फिर कहानियों को. The God of Israel. इज़राइल परमेश्वर के बारे में. But she took a step. लेकिन उसने कदम लिया. And she trusted God. और उसने परमेश्वर के पर विश्वास किया. That's who God is. और ये परमेश्वर है. That's the God who is faithful. और ये ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है. So when what did Ruth step out in faith and to find what why did she step out in the field? और क्यों उसने खेती में उसने कदम रखा? To find favor, right? तो अनुग्रह को पाने के लिए. And immediately she found favor. और तुरंत ही उसको ये दया या फिर अनुग्रह मिल गया. She came to Boaz's field. वो बोएज के खेती में आ गई. It's beautiful. और ये कितना खूबसूरत है. In Ruth 2. और रूथ अध्याय 2. 3. 3 में. It says so she went out. और वो गई बाहर. Entered a field. खेती में. And began to glean behind the harvesters. और वहाँ लवने वालों के पीछे. As it turns out, और जैसे वो मुड़ी, जैसे वो मुड़ा, she was working in a field belonging to Boaz. वो ऐसे खेती में काम कर रही थी जो खेती बोएज का था. Who was from the clan of Elimelech. और एलीमेलेक के कुटुंब का था वो. So that was the first favor. और ये पहला अनुग्रह था. Because it was dangerous for a woman who is a foreigner to go to anyone else's field. और ये बहुत खतरनाक था कि ऐसे अनजाने देश में अनजाने की खेती में जाना. The second favor. और दूसरा जो अनुग्रह था. Boaz took notice of her. बोएज ने उसके ऊपर ध्यान रखा. You see that in 5. और पांच में आप देखते हैं. Boaz asked the overseer of his harvesters. तो बोएज ने अपने उस सेवक से पूछा. Who does that young woman belong to? ये जो जवान स्त्री है वो कौन है? And they said she is a Moabite. और उन्होंने कहा ये मोआबाइट है करके. Who came back from Moab. जो मोआब देश से वापस लौटी है. With Naomi. Naomi के साथ. That's the second favor. तो ये दूसरी अनुग्रह या दया है. So the first favor was she entered Boaz's field. और पहला जो अनुग्रह है वो बोएज के खेती में गई. The second favor was Boaz took notice of her. दूसरा जो अनुग्रह है बोएज ने उसके ऊपर ध्यान दिया. And the third favor is this. और तीसरा जो अनुग्रह ये है. Boaz gave her permission. बोएज ने इजाजत दिया. And ordered Ruth. और उसने रूथ को बोला. To be with the ladies. स्त्रियों के साथ रहने के लिए. And told the men not to lay hands on her. और पुरुषों को कहा कि उसके ऊपर हाथ ना डालें. Isn't that the favor? क्या ये अनुग्रह है? That was the expectation she went out, right? और यही आशा के साथ वो बाहर गई थी. And the fourth favor is this. और चौथा जो अनुग्रह है. There was an invitation to eat lunch. उसको आमंत्रित किया गया था भोजन करने के लिए. Boaz invites Ruth. जहाँ पर बोएज रूथ को आमंत्रित करता है. Says, come, take some bread. वो कहता है आ जा और ये रोटी को ले. Dip it with the wine vinegar. और वाइन और विनेगर में इसे डुबा. Boaz at that time must have been so rich, right? और बोएज उस समय में कितना ही धनी पुरुष हो सकता है. There are people who are working under him. जहाँ पर लोग उसके नीचे काम कर रहे थे. But to take notice and invite this. उसके पर ध्यान रखना, उसको आमंत्रित करना एक स्त्री को. And share lunch. और उसका भोजन उसके साथ बांटना. Isn't that the favor of God? क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर का ये दया है? And in 12 it says this. और 12 वचन में लिखा है. When Ruth is asking Boaz. जब रूथ बोएज से पूछती है. I have found such favor in your eyes. और उसने कहा मुझे तेरे नजरों में कितना ही दया मिला है. I am just a foreigner, right? मैं सिर्फ एक परदेसी हूँ. But Boaz said this. और फिर बोएज ने ये कहा. I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. और मुझे सब कुछ पता है, बताया गया है जब तेरा पति का देहांत हो गया तूने तेरे सास के लिए क्या क्या किया है. How you left your father and mother and your homeland to come live. कैसे तूने अपने माता पिता को छोड़ दिया और अपने घर को भी छोड़ दिया यहाँ पर आने के लिए. People that you did not know before. और ऐसे लोगों के पास आना जिनको तू पहले से जानती भी नहीं थी. He says, may the Lord repay you for what you have done. और यही परमेश्वर ने वापस रकम चुकाया जो कुछ भी तुमने किया. May you be richly rewarded. कि तुम और बहुत फलदायक तुम्हें इसके लिए इनाम मिले. Listen carefully. और बहुत ध्यान से सुनिए. The God of Israel. इज़राइल का परमेश्वर. Under whose wing you have come to take refuge. और जिसके पंखों के तले तुम रक्षण पाने के लिए आई हो. Amen. Amen. You see that there was strength.
आप देखती हो यहाँ पर वहाँ पर बल था. Even like you know, if in 21st century, if as women, 21st century में एक स्त्री के नाते, we're still fighting to be on the in the table. हम अभी भी लड़ रहे कि हम मेज पर बैठने के लिए, to have our voices, हमारे आवाज को उठाने के लिए. Imagine how much more then. सोचे उस समय में और कितना होगा. But like God gave that strength to Ruth. लेकिन परमेश्वर ने रूथ को उस समय वो बल दिया. To be able to trust Him. कि उसके पर वो विश्वास कर सके. Such faith. कितना विश्वास. In the New Testament it says, right? और नए नियम में ये लिखा गया है. What moves God? What moved Jesus? क्या परमेश्वर को मतलब हिलाया? Faith. विश्वास. It moved God. ये परमेश्वर को हिलाया. And we see this in Ruth's life. और ये हम रूथ के जीवन में देखते हैं. That favor. कि दया. And grace. अनुग्रह. Was shown to Ruth. रूथ के ऊपर दिखाया गया. Because of her faith. उसके विश्वास के वजह से. Amen. Amen. So she comes back from the field. वो वापस खेती से लौटती है. And shares all the stories to Naomi. और पूरी कहानियां बताती है नयोमी के साथ. And you see the response of Naomi here. It's changed now. अब रूथ का जो जवाब देखिए यहाँ पर उसका बदल जाता है. When she entered Bethlehem, she said, "Call me Mara." और जब बेथलेहम में ही वो प्रवेश होती है तो वो कहती है मुझे मारा करके बुलाओ. But here her response is changed. यहाँ पर उसका जवाब अभी बदल जाता है. He said, "The Lord has not stopped showing His kindness to the living and dead." और परमेश्वर ने उसके दया दिखाना बंद नहीं किया जो जीवित और मर गए उनके ऊपर. Ruth's obedience to the God of Israel. और रूथ का जो विश्वास योग्यतापन परमेश्वर की ओर. Was building Naomi's faith as well. और नयोमी का जो विश्वास था उसे भी बांध रहा था. Your obedience. आपका आज्ञा पालन करना matters. ये मायने रखता है. Your decision. आपके निर्णय लेना matters. ये मायने रखता है. It's important. ये जरूरी है. You don't know who's gonna be blessed at the back of your obedience to God. आप नहीं जानती आपका जो आज्ञा पालन कर रही है आपके पीछे कौन आशीर्वादित हो रहा है. A foreigner. एक परदेसी. Now resurrecting Naomi's faith. वापस पुनरुत्थान कर रही है नयोमी का विश्वास को. The role is reversed now. अभी जो रोल है अभी वो उलट गया है. The role is reversed. अभी जो रोल है वो उलट गया है. And now we see the promise. अब हम वादे को देखते हैं. We see that like Naomi is saying go. अब नयोमी कह रही है जा. Go and meet Boaz and we know the story. वो कहती है जा बोएज से मिल हम इस कहानी को जानते हैं. We see that Boaz is fighting for Ruth now. और अब हम यहाँ पर ये देखते हैं बोएज जो है वो रूथ के लिए लड़ रहा है. And that's a promise, right? और ये वादा है. They didn't have anybody fighting for them. उनके लिए उनके पास कोई नहीं था उनके लिए लड़ने के लिए. They didn't have protection. उनके पास कोई रक्षण नहीं था. But Boaz is fighting for Ruth. लेकिन बोएज रूथ के लिए लड़ रहा है. As he talks to the council of the city. और काउंसलर जो उस देश का जो काउंसलर है उनके पास. Boaz becoming the garden redeemer. और बोएज परमेश्वर और छुटकारा देने वाला बन रहा है. It says when Ruth met Boaz in the threshing floor. और जहां पर मतलब ट्रेश ये करते हैं वहां पर रूथ बोएज से मिली. Out of all the things that Boaz heard of Ruth. और बोएज ने जो कुछ भी रूथ के विषय में सुना था. Boaz said this. बोएज ने ऐसे कहा. All the people of my town know. और मेरे गांव के सभी लोग जानते हैं. You are a woman of noble character. और तुम नोबल कैरेक्टर की स्त्री हो करके. There was a reputation. वहाँ पर उनके बारे में अच्छा नाम था. It's beautiful because Ruth could have like, you know, as she has entered Bethlehem. जैसे वो बेथलेहम देश में उसने प्रवेश किया. She could have lived the life she wanted, right? वो जैसे चाहे वैसे जी सकती थी अपना जीवन. But she continued to live faithfully. वो एकदम विश्वास योग्यता के साथ जीना उसने चुना. To the point that when they came to Bethlehem, no one recognized Ruth. जब तक वो बेथलेहम तक नहीं आए किसी ने रूथ को नहीं पहचाना. Because everybody said, "Could this be Naomi?" क्या वो कह रहे थे क्या ये नयोमी है. But in chapter 3 और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं Boaz is saying all the people know. पूरे गांव के लोग जानते हैं. So that means they've heard of Ruth now. अभी वो मतलब उन्होंने रूथ के विषय में सुना है. You might have entered the land insignificant. और तुम ऐसे इस देश में आपने प्रवेश किया होगा. But because of your faith. लेकिन तुम्हारे विश्वास की वजह से. God will make you significant. कि परमेश्वर तुम्हें significant कर सकता है. Praise the Lord. Praise the Lord. So that's the promise. तो ये वादा है. So now Boaz marries Ruth. अब Boaz
रूथ से शादी करता है. एंड इन चैप्टर 4 यू विल सी, और चौथे अध्याय में हम देखते हैं. Then Boaz announced to the elders of all the people. और बोआज अपने गांव के सभी बड़े लोगों से क्या बताता है? Today you are a witnesses that I have brought from Naomi all the property. और तुम सारे मतलब गवाही देने वाले बने हो. Of Elimelech, Chilion, and Mahlon. Elimelech, Chilion, और Mahlon. I have also acquired Ruth the Moabite. और मुझे मतलब मैं इन्हें भी मैं आज पहचानता हूँ मोआबाइट को. As my wife. मेरी पत्नी पत्नी जैसे. Listen to this carefully. और ये बहुत ध्यान से सुनिए. In order to maintain the name of the debt with his property. और मतलब उसके जो प्रॉपर्टी था उसके साथ मतलब उसका अभी कोई ये नहीं है. So that his name will not disappear. कि उसका नाम मतलब गायब ना हो. From his family or from his hometown. उसके परिवार से या फिर उसके घराने से. So there was someone to carry the lineage. और इसका मतलब ये है उनका जो पीढ़ी है उसको आगे लेकर जाने के लिए कोई तो है. That's the promise of God. और ये परमेश्वर का वादा है. And then like Ruth. और फिर रूथ. Ruth conceives, right? और रूथ गर्भवती होती है. And she gives birth. और वो जन्म देती है. To a boy named Obed. और एक लड़के को ओबेद करके. And in chapter 4 verse 16. और 4 और 16 में लिखा है. It says this. The women said to Naomi. उस स्त्री ने नयोमी से कहा. Praise be to the Lord. परमेश्वर की महिमा. Who this day has not left you without a guardian redeemer. जो परमेश्वर छुटकारा रिडीमर है बचाने वाला. May he be famous throughout Israel. और वो पूरे गांव इज़राइल देश पर. He will renew your life and sustain you in your old age. वो आपको बल देगा और आपको बचाएगा. And इस पूरे परिस्थिति में. Celebrating that Naomi has a son. और सभी लोग आनंद मनाने लगे कि नयोमी का एक लड़का है करके. अभी But it's actually Ruth's son. देखा तो लेकिन वो रूथ का बेटा But था. Actually if you go to the culture of Israel, लेकिन इज़राइल के अगर आप रीति रिवाज में देखते हो. It was important. और ये जरूरी था. For a male. एक पुरुष को. To carry on the father's household. पिता के घराने को बढ़ाने के लिए. So that's the promise that was fulfilled by God. और ये वादा परमेश्वर के साथ पूरा किया गया. What may have seemed impossible. और जो लगता है जो असंभव है. God made it possible. परमेश्वर ने उसे संभव बनाया है. God made it possible. परमेश्वर ने उसे संभव बनाया है. When you step out in faith. जब आप विश्वास के साथ बाहर कदम रखते हो. The Lord's hand and favor is upon you. परमेश्वर का हाथ और अनुग्रह आपके ऊपर है. We see that in Ruth's life. हम रूथ के जीवन में देखते हैं. Because of her faithfulness. उसके विश्वास योग्यता की वजह से. उसके आज्ञा पालन करने की वजह से. Because of the way she lived her life. और जिस प्रकार से उसने अपने जीवन को जिया. When you read the book of Matthew. जब आप मत्ती की किताब को पढ़ते हैं. She comes in the lineage of Jesus. वो यीशु मसीह के उस पीढ़ी में वो आती है. She comes in the lineage of Jesus. और यीशु मसीह की पीढ़ी में आती है एक परदेसी. That's the way God can redeem us. और परमेश्वर ऐसे हमें बचाता है. That's the way God can redeem us. और इस प्रकार से परमेश्वर हमें बचाता है. So we see the pain that they had to endure. और हम देखते हैं जिस पीड़ा से वो गुजर रहे थे. We see the journey that they had to take. और जो सफर को वो ने लेना था. That it requires a physical activation sometimes. और कभी कभी हमें शारीरिक तौर से कार्य भी करना था. That it requires for us to get up off our bed sometimes. और ये कभी कभी हमारे बिस्तर से हमें उठ खड़ा भी होना पड़ता है. And the journey may be long. और हो सकता है जो सफर है वो लंबा हो सकता है. But as you take that leap of faith. लेकिन जब आप उस कदम को लेते हो विश्वास का. God will give you the promise. परमेश्वर आपको वादा देगा. He is faithful. वो विश्वास योग्य है. So I asked you the question earlier, right? और जो सवाल हमने पहले आपसे पूछा था. What is the pain in your life? ऐसा कौन सा दर्द है जो आपके जीवन What में है? What is something that you have journeyed? और ऐसा क्या है जो आप सफर कर रही हो? That you feel like nobody understands. और आपको ऐसा लग रहा है कोई समझता नहीं है इसे. That I can't let go. और मैं इसे जाने भी नहीं दे सकती. Are you ready to let go? क्या आप तैयार हैं इसे जाने देने के लिए? Are you ready to let go? क्या आप तैयार हैं इसे जाने देने के If लिए? If Ruth could have stayed in Moab, अगर रूथ मोआब से कह सकती है, If she could have put herself in a self-pity box, which we are so good at it, और वो अपने मतलब ऐसे बेचारी के तरह जैसे कर सकती थी, Oh, see what has happened to me, और वो कैसे देखो मेरे And stayed जीवन में back क्या in Moab, और मोआब देश में ही रह सकती थी, she could not have come in the lineage of Jesus, तो वो इस यीशु मसीह की पीढ़ी में नहीं आ सकती थी.
she would not have come into the lineage of Jesus. तो यीशु मसीह के वो पीढ़ी में नहीं आ सकती थी. So your faith and your obedience is important, women of this house. आपका विश्वास और आज्ञाकारिता ये बहुत जरूरी है. What is the journey? ये कौन सा सफर है? You are on right now. जिसमें आप हो अभी. Don't live a life for the sake of living. ऐसे ही मत जियो सिर्फ जीना है करके. But be aware of the seasons that you are in. और जानो कि आप किस मौसम में हैं. And deal with the things that God wants you to heal. और उन सारे चीजों के ऊपर आप ये करें जो परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है. If today I tell you that come let's go to a vacation to a cold place. और अगर हम आपको बोले कि ठंडे जगह में हम ऐसे छुट्टियों के लिए जाएंगे. What will you pack? तो क्या आप सब तैयार करोगे? You will pack your winter clothes, right? जो ठंडे के कपड़े हैं उन सारे बंदोबस्त आप करोगे. Because you know that the season is going to be winter. क्योंकि आप जानती हो जो मौसम है वो ठंडा होगा. So what season are you in right now? तो कैसे मौसम में आप हो? Because for some of you, क्योंकि थोड़े लोग आप में से, you need to unpack your bags. तो थोड़े लोग का आपको जो आपने पैक किया है उसे वापस खोलना है. You need to unpack your bags. तो आपको वापस खोलना है आपके जो बैग है. You need to go with God. आपको परमेश्वर के साथ जाना है. And ask the Lord. और परमेश्वर से पूछना है. God, what are you really teaching me? परमेश्वर तो सच में मुझे क्या सिखा रहा है? I don't want to go in circles again. वापस ऐसे चक्कर में नहीं लेना चाहता. I don't want to go in circles again. वापस मैं उन चक्करों में नहीं जाना चाहता. I want to be the one. मैं वो एक बनना चाहता हूँ. That breaks the generation curses. जो जो पीढ़ी के जो श्राप है उसे तोड़ता है. I want to be the one. मैं ऐसे एक बनना चाहती हूँ. That will walk in faith. जो विश्वास के साथ चलेगी. I will be the one. मैं एक ऐसे बनूंगी. That will know God. जो परमेश्वर को जानती है. Know God. जो परमेश्वर को जानती है. Whether you living for the generation behind your children, your grandchildren and the generations to come. आप किसके लिए जी रहे हो जो पीढ़ी आपके पीछे और उसके पीछे आने वाली है. Because it's important. और ये बहुत जरूरी है. How are you living your life right now? कैसे आपके जीवन को अभी आप जी रही हो? What do you need to change? क्या आपको बदलना है? What are the cycles of sins that you're going over and over again? और ये जो चक्कर जो पाप के है वो बार बार आप जो ले रही हो. Because it's time for us to rise up and deal. और ये समय है हमें उठ खड़े होने का. Be honest. और एकदम honest बनिए. I'm not discounting. I'm sure people in this room have gone through hard stuff. और हम जानते हैं कि इस कमरे में जो बैठी है अब बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरी है. And I'm not discounting the pain that you have gone through. और हम नीचा भी नहीं दिखाते जो दर्द से आप गुजरे हैं. But I'm just saying there is an invitation. लेकिन हम आपसे बता रहे कि एक ऐसा आमंत्रण है आपके लिए. For us to trust God. कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए. For us to trust God. कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करने के लिए. Will you accept that invitation? क्या आप इस आमंत्रण को आप स्वीकार करोगी? When you say the word rise. जब आप इस वचन को शब्द को कहती हो उठ खड़े हो जाओ. It's because you're like kneeling down. It says you rise, no? और जैसे हम बोलते हैं जैसे आप बैठे हैं तो उठ खड़े होने के लिए. So today maybe. आज शायद हो सकता है. There is an invitation for us. तो हमारे लिए आमंत्रण है. To surrender. कि हम समर्पण करें. So that we can rise up. कि हम उठ खड़े हो जाएं. So that we can rise up in strength. कि हम उठ खड़े हो जाएं बल में. At the beginning of this. और इसके शुरुआत में. We declared, right? जो हमने घोषित किया है. I will not dwell. In the pain of my past or my present. या मैं उस दर्द में नहीं रहूंगी जो भूतकाल है या फिर अभी के जो दर्द है. But there is an invitation for me. लेकिन एक ऐसा आमंत्रण है. For deeper healing. कि अंदरूनी चंगाई के लिए. And in this journey, as I put my faith in God. और इस सफर में जो अपने विश्वास को मैं परमेश्वर के ऊपर डालती हूँ. He will lead me to the promise. तो वो मुझे वादा की जमीन के ऊपर चलाएगा. And so I will rise again. कि मैं वापस उठ खड़ी हो जाऊँ. In His strength. उसके बल में. In his glory. उसके महिमा में. Not by might. मेरे सामर्थ के साथ नहीं. Not by power. और सामर्थ के साथ. But through the power of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ. You don't have to do this alone. आपको इसे सिर्फ अकेले नहीं करना. And just like Naomi needed Ruth. जैसे नयोमी को रूथ की जरूरत थी. And Ruth needed Naomi. जैसे रूथ को नयोमी की जरूरत थी. It's time for us women to stand in unity. तो ये हमारी जो स्त्रियां हैं हमें इकट्ठा. There is no competition. यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है परमेश्वर के राज्य में. When I fall, I want my sister to pick me up. जब मैं गिरूं तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन मुझे उठाए. When my sister is winning, I have to say, come on, you can do this. Yes. और जब मेरी बहन जीते तो हम यहाँ से कहे कि और उसको प्रोत्साहित करें हम.
and you take this to your workplace, to your college. और ये आपके काम करने की जगह है पर आपके कॉलेज में आप लेकर जाएं. The kingdom culture you take everywhere. और ये जो राज्य का जो सिद्धांत है वो हर एक जगह पर आप लेकर जाएं. And you will see change around you. और आप देखोगे बदलावट को आपके इर्द-गिर्द में. So women of this house. तो स्त्रियां इस घर की. It's time for us to rise. तो समय है उठ खड़े होने का. It's time for us to rise. तो ये समय है उठ खड़े होने का. God bless you all. तो परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे. We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.